समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हो गई है। देश के नागरिक सम्मानों की घोषणा के दौरान मुलायम सिंह यादव का नाम देखकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। चर्चा इस बात की कि क्या मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान देकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अखिलेश यादव को फंसा दिया। दरअसल मुलायम सिंह यादव और भाजपा के संबंधों पर चर्चा कई बार हो चुकी है। कई नेता इसको लेकर तरह तरह की टिप्पणियां कर चुके हैं। ऐसे में विपक्षी दल के नेता को सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक दिए जाने पर राजनीतिक माहौल गर्माना तय है। राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। भविष्य में इसके फायदे और नुकसान की चर्चा भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में भारतीय जनता पार्टी एक अलग ही राजनीति ताना बाना को स्थापित करने की कोशिश करती दिख रही है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने को अलग ही नजरिए से देखा जा रहा है। विपक्ष की राजनीति को साधने की कोशिश के रूप में पूरे मामले को देखा जा रहा है। मुलायम सिंह यादव को यूपी के राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में जाना जाता है। समाजवादी आंदोलन को धार देने में मुलायम सिंह यादव की बड़ी भूमिका रही है। पहलवानी के अखाड़े से निकलकर राजनीतिक मैदान तक अपने दांव से उन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक दलों को पछाड़ा है। यूपी की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका को नंगे न करने में मुलायम सिंह यादव का योगदान अहम रहा। ऐसे में मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा दाव खेल दिया है। देश में अभी हिंदुत्व और सनातन को लेकर जिस प्रकार की बहस छिड़ी हुई है, उससे समाज एक अलग ही दूरी पर जाता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी के राजनीतिक मैदान में भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। यूपी भाजपा ने प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आए थे। इसके बाद से प्रदेश में अलग राजनीति रणनीति पर भाजपा काम कर रही है। इसमें पसमंदा मुसलमानों को साधने की रणनीति तो है ही, इसके साथ साथ मुलायम सिंह यादव पर आस्था रखने और अखिलेश यादव से दूरी बनाने वाले यादव वोट बैंक को साधने की भी कोशिश हो रही है। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गंवाने वाली सीटों को साधने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार के साल 2019 में नागरिक सम्मानों की घोषणा ने भी खासी सुर्खियां बटोरी थी। इसमें पश्चिम बंगाल से आने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कांग्रेस पृष्ठभूमि से आने वाले प्रणब दा को सम्मानित किए जाने को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में चर्चा का माहौल खूब गरमाया। इस घोषणा ने भाजपा को पश्चिम बंगाल में चर्चा में ला दिया। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के विकल्प के रूप में पार्टी को देखा जाने लगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका खास प्रभाव दिखा। पार्टी ने बंगाल के राजनीतिक मैदान में जबरदस्त प्रदर्शन किया। मोदी लहर का असर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में नहीं दिखा था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटों पर जीत मिली थी।